इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सैंपल पेपर के बारे में जानेंगे, जो कि एजुकेशन रेगुलेशन ने 2020 में लॉन्च किया था। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एनुअल एग्ज़ाम का सैंपल पेपर है। ये 18 मार्क्स का होगा, समय 3 घंटा रहेगा। और जो नए पैटर्न का क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ये सैंपल पेपर, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट सेक्शन सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। फर्स्ट सेक्शन 30 नंबर का होगा, सेकंड सेक्शन ये भी 30 नंबर का होगा और सेक्शन सी ये 20 नंबर का होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि नर्वस सिस्टम को क्लासीफाइज कीजिए। राइट आ डिटेल नोट ऑन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हम नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे तो ये CNS और PNS ये 3 भाग में बट जाएगा। और फिर ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखिए। तो ऑटोमेटिक सर्विस नर्वस सिस्टम ये 2 भागों में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये 2 भागों में डिवाइड होगा, फिर उसके बारे में लिखना रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा बेल लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन। तो इसमें क्या रहेगा कि पहले हम लोगों को थायराइड ग्लैंड का एक डायग्राम बनाना रहेगा, फिर उसकी फिजियोलॉजी, थायराइड की जो हार्मोन है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में लिखना रहेगा। जिसे इसमें थायरोक्सिन T4 हार्मोन होता है, ट्राई आइडो हाइड्रोनिन होता है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना रहेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को यूरिन पेशाब कैसे बनता है उसको हमें समझाना रहेगा। तो पेशाब 3 स्टेप में बनता है। पहले क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसको अगर हम लोग डायग्राम से समझाएंगे तो अच्छे से समझा देंगे, तो ये समझाना रहेगा। फिर फोर्थ, इलाबरेट वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिशू। अब इसमें एपिथेलियल टिशू का क्लासिफिकेशन लिख करके उसको समझाना रहेगा, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे उसका लोकेशन कहाँ की कहाँ पे होता है एपिथेलियल टिशू। तो ये सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये 3 टाइप का होता है, तो इसके बारे में लिखना रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। किसमें क्या करना है कि हार्ट का डायग्राम बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी एनाटॉमी को समझाना है। कि जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल होते, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, तो ये सब के बारे में समझाना रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि रिस्पायरेशन का फिजियोलॉजी हमें समझाना है। पहले तो ये जान लेना कि रिस्पायरेशन क्या है, इसका डिफिनेशन लिख देना। ये रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, तो उसके बारे में उसकी फिजियोलॉजी समझाना है, फिर उसके प्रोसेस को समझाना है। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है रिस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इंटरनल टिशू रिस्पायरेशन, तो इसके बारे में हमें समझाना रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्लड क्लाटिंग कोड, ब्लड क्लाटिंग फैक्टर। तो इसमें क्या करना है कि हमें ब्लड क्लाटिंग फैक्टर है उस पर नोट लिखना है। इसमें फाइब्रोजन, प्रोथाम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें समझाना रहेगा, तो इससे अच्छे से एग्जामिनर के समझ में आएगा और वो पूरे के पूरे मार्क्स देगा। अब सेक्शन बी देखते हैं, ये 60 आंसर होंगे, इसमें 10-11 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने रहेंगे, ये 30 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा बेल लेबल डायग्राम ऑफ स्प्लीन एक्सप्लेनिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट। अब इसमें हमें क्या करना है कि स्प्लीन को उसका डायग्राम ड्रा करना है, फिर उसके बाद वेरियस जो कंपोनेंट होते हैं उसको समझाना रहता है। जैसे कि कैप्सूल होता है, आर्टरी होती है, वेन होता है, ट्रेबिकुला होता है, वेस्कुलरी सिनोसाइड, व्हाइट पल्प, रेड पल्प होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करके समझाना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ECG, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका डिफिनेशन लिखना रहेगा। ये क्या करता है, ECG ये ग्राफिक रिकॉर्ड होता है जो कि हर्ट एक साइकिल कंप्लीट करने में जो चेंजेज आते हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है।
तो उसी को ये ECG कहते हैं। तो उसका ECG का डिफिनेशन लिखना है, फिर इसको डायग्राम के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि रिस्पायरेशन का फिजियोलॉजी हमें समझाना है। पहले तो ये जान लेना कि रिस्पायरेशन क्या है, इसका डिफिनेशन लिख देना। ये रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, तो उसके बारे में उसकी फिजियोलॉजी समझाना है, फिर उसके प्रोसेस को समझाना है। ये तीन स्टेप में कंप्लीट होता है रिस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इंटरनल टिश्यू रिस्पायरेशन। तो इसके बारे में हमें समझाना रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्लड क्लाटिंग कोड, ब्लड क्लाटिंग फैक्टर। तो इसमें क्या करना है कि हमें ब्लड क्लाटिंग फैक्टर है उस पर नोट लिखना है। इसमें फाइब्रोजन, प्रोथाम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें समझाना रहेगा। तो इससे अच्छे से एग्जामिनर के समझ में आएगा और वो पूरे के पूरे मार्क्स देगा। अब सेक्शन बी देखते हैं, ये 60 आंसर होंगे, इसमें 10-11 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने रहेंगे, ये 30 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा बेल लेबल डायग्राम ऑफ स्प्लीन एक्सप्लेनिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट। अब इसमें हमें क्या करना है कि स्प्लीन को उसका डायग्राम ड्रा करना है, फिर उसके बाद जो कंपोनेंट होते हैं उसको समझाना रहे, जैसे कि कैप्सूल होता है, आर्टरी होती है, वेन होता है, ट्रेबिकुला होता है, वैस्कुलरी सीनोसाइड, वाइट पल्प, रेड पल्प होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करके समझाना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ECG, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका डिफिनेशन लिखना रहेगा। ये क्या करता है, ECG ये ग्राफिक रिकॉर्ड होता है जो कि हर्ट एक साइकिल कंप्लीट करने में जो चेंजेज आते हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है, तो उसी को ये ECG कहते हैं। तो उसका ECG का डिफिनेशन लिखना है, फिर इसको डायग्राम के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई ल्यूकोसाइट इन लिस्ट द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। इसमें ल्यूकोसाइट का क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा, जो कि ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट होता है, दो टाइप का। ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल होते हैं, ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। फिर इसके फंक्शन के बारे में लिखना रहेगा, ये क्या करते हैं कि ये फाइट करते हैं जो बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उनसे ये ल्यूकोसाइट फाइट करते हैं, तो इसके बारे में लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑफ ब्रीफ नोट ऑन कार्डियक साइकिल। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को कार्डियक साइकिल के बारे में बताना है कि जैसे हार्ट सुपीरियर वेना केवल इन्फीरियर वेना केवल से ब्लड ले करके, डी ऑक्सीजनेट ब्लड ले करके फिर उसको लंग्स में ले पहुंचाता है, फिर लंग से ऑक्सीजनेट ब्लड को एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसके बारे में लिखना रहेगा कि कार्डियक साइकिल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम वेरियस डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल, एक्सप्लेन एनीवन। अब हमें क्या करना है कि स्केलेटल सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में लिखना है, जिसमें से एक को डिस्क्राइब करना है, एक के बारे में बताना है, जिसे होते हैं मायोफाइथिसियन, डिस्ट्रोफाई, न्यूरोजेनिक, बिलाइट्रल एंड सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक, ये सब डिसऑर्डर हैं स्केलेटल मसल्स के। तो इसके बारे में हमें बताना है, किसी एक के बारे में हमें इसको डिस्क्राइब करना है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ बेल लेबल डायग्राम ऑफ स्किन। इसमें क्या करना है कि स्किन का एक अच्छा सा डायग्राम ड्रा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा फ्लो चार्ट शोइंग वेरियस स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें क्या करना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का हमें एक चार्ट बनाना है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, पहले माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, फिर उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो उसके बारे में स्टेप टू स्टेप चार्ट बना करके समझाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि क्लासीफाई जॉइंट एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर टाइप्स। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन लिखो जॉइंट्स का और उसके हर क्लासिफिकेशन के जो जॉइंट हैं उसके एग्जाम्पल दो।
तो एक जॉइंट को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट फिक्स होता है और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो स्लाइडली मूवेबल होता है और जो साइनोवियल होता है फ्रीली मूवेबल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसमें क्या करना है कि एक चार्ट बना करके ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अब क्या करना है कि सुटेबल एक डायग्राम बना करके रिफ्लेक्स आर्क को समझाना है कि क्या होता है कि ये जो आर्क होता है रिफ्लेक्स आर्क एक पैथवे होता है। इसमें इंपल्स क्या करते हैं कि बॉडी से मतलब कहीं भी कोई पिन चुप गई है तो उससे मैसेंजर को ले जा करके ब्रेन को पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा आर्गन है उसको रिस्पांस मिलता है कि हमें फला जगह चोट लगी है या हमें फला जगह दर्द हो रहा है। तो ये इसके बारे में पता चलता है, रिफ्लेक्स आर्क है, इसको हमें डायग्राम से समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द हार्मोन सिक्रेट बाय वेरियस पैंक्रियाटिक सेल्स। इसमें क्या कहना है, इसमें कह रहा है कि जो हार्मोन पैंक्रियाटिक सेल से सिक्रेट होते हैं उनके नाम लिखने की कह रहा है। जैसे पैंक्रियाटिक सेल हैं अल्फा बीटा गामा, तो इनसे क्या होता है कि हार्मोन सिक्रेट होता है। जैसे अल्फा सेल से ग्लूकोगन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन, पीपी सेल से पैंक्रियाटिक पेप्टाइड होता है। और जैसे अल्फा सेल जो है इससे ग्लूकोन हार्मोन सिक्रेट होता है, ये क्या करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको बढ़ाता है। और बीटा जो सेल होता है जिसको इसका हार्मोन इंसुलिन होता है ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और डेल्टा सेल क्या करता है जिसमें सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी हार्मोन है, जो पिट्यूटरी से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनके रिलीज़ के उन हार्मोन को ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देता है। और जो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड होता है ये डाइजेस्टिव सिक्रीशन जिसे मोटिलिटी है तो उसको ये रेगुलेट करता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, ये इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमें क्या भरना है, इसमें हमें भरना है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें भरा जाएगा एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर थर्ड है डॉट 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 इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसमें भरा जाएगा माइटोकांड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइड इनटू फोर ब्रेन डॉट 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 एंड हिंड ब्रेन। तो इसमें भरा जाएगा जो डॉट डॉट करके लिखा है उसमें मिड ब्रेन भरा जाएगा। फिर है द फुल फॉर्म ऑफ ECG, तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भरा जाएगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोसाइट। अभी ग्रैनुलोसाइट का एग्जांपल कहता है तो इसमें मोस्ट सेल जिसमें स्नोफील बेस्नोफील ये सब होता है तो इसमें भरा जाएगा मोस्ट सेल इज द एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 7th है पल्मोनरी आर्टरी कंटेन ब्लड ऑक्सीजनेटेड आब्लिक डीऑक्सीजनेटेड, तो इसमें भरा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है लंग्स पे, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के एरोटा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 डॉट 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 हार्मोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन। तो इसमें भरा जाएगा ग्लूकेगन हार्मोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन। इसमें ग्लूकेगन हार्मोन ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भरा जाएगा कलेक्टिंग फैक्टर 8 and 9, इसमें कलेक्टिव फैक्टर 8 और 9 के कारण ये हीमोफीलिया होता है। तो इसमें हीमोफीलिया का ड्यू टू डिफेक्ट इन कलेक्टिंग फैक्टर 8 and 9 भरा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइबा इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। तो इसको कहा जाता है सलाइबरी एमाइलेज एंजाइम। तो इसमें भरा जाएगा द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइबा इज कॉल्ड एज सलाइबरी एमाइलेज।
फिर इसमें ट्रू फॉल्स लगाना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिशू, सही है क्योंकि ब्लड कनेक्टिव टिशू है। फिर सेकंड क्वेश्चन है नज़ल बोन इज एन एक्सियल बोन, ये फॉल्स है क्योंकि वो फेशियल बोन है। फिर थर्ड क्वेश्चन है स्प्लीन एडेड्स डैमेज आर बी सीज टू ब्लड स्ट्रीम, ये भी गलत है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है पार्किंसन फाइबर आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, ये भी गलत है क्योंकि ये एंडोकार्डियम में पाया जाता है, हार्ट में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एस्ट्रोसाइट आर प्रेजेंट इन सीएनएस, ये सही है तो इसमें हम लोग ट्रियो लगाएंगे। इनकस इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर, ये गलत है क्योंकि जो इनकस होता है ये मिडिल ईयर में पाया जाता है। फिर सेवंथ क्वेश्चन है एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड बाई एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सही है क्योंकि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही एड्रिनल हार्मोन सिक्रेट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर एट है कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्मेड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन है हाई लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कैन रिड्यूस बोन डेंसिटी, सही है क्योंकि थायराइड के ज़्यादा होने से क्या होता है, बोन की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर टेन है वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन टाइडल वैल्यूम इन ह्यूमन, ये भी ट्रू है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।